इससे एकता की ध्वजा फहरावेगी। हिंदुस्तान की एक और कामयाबी की अब बात कर रहे हैं। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। 125 दिन की यात्रा के बाद आदित्य L1 टैंग्रेशियन 1 बिंदु पर पहुंच जाएगा। इसके बाद शुरू कर देगा सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाना। सूरज क्या है और क्या है इससे जुड़े रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। वो सूरज जिसमें समा सकती है 13 लाख पृथ्वियां, वो सूरज जिसमें हर एक सेकंड में होते हैं 1 लाख करोड़ परमाणु बम जितने विस्फोट, उसी धधकते सूरज से आंख मिलाने आदित्य L1 अपने सफर पर निकल गया। 1-0 भारत ने चंद्र विजय के बाद एक और सफल उड़ान भरी और दुनिया देखती रह गई। PSLV C-56 ने जैसे ही आदित्य L1 को लेकर उड़ान भरी, पूरा देश झूम उठा। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग से वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. आदित्य L1 की परियोजना निदेशक निगार शाजी ने इसे एक सपने के सच होने जैसा बताया। It's a dream come true for team Aditya L1 and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed and spacecraft will be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our earth burns to rise the orbit and followed by the trans L1 injection and finally insertion into the halo orbit in the sun earth Lagrangian point L1. Once this Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. इसरो की दूसरी कामयाबी से पीएम मोदी भी गदगद हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि मानवता के कल्याण के लिए हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास जारी रहेंगे। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन 1 बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 को यहां तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। सूर्य के तमाम रहस्य क्या है ये आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि सूर्य सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है। डायमीटर धरती के डायमीटर से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वियां समा जाएं। ऊर्जा इतनी कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम से निकली ऊर्जा भी इसके सामने फीकी है। सूरज 460 करोड़ साल का हो चुका है। अगले 1000 करोड़ साल तक बने रहने की संभावना है। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। अब जानते हैं कि सूरज का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल सूरज गैस का एक विशाल गोला है। करीब 450 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादल होते थे। इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। ऊर्जा कम होने की वजह से इस तारे में भयानक विस्फोट हुआ जिससे सूर्य बना। सूर्य की ग्रेविटी की वजह से बाकी एस्टेरॉयड इसके चक्कर लगाने लगे। इनके आपस में टकराने की वजह से सोलर सिस्टम और बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ। सूरज में सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। अगर ग्रेविटी ना हो तो सभी ग्रह, चांद, एस्टेरॉयड और धूमकेतु सोलर सिस्टम से हटकर डीप स्पेस में कहीं गुम हो जाएंगे। दरअसल सूर्य 3 चीजों से मिलकर बना है और ये 3 चीजें हैं हाइड्रोजन, हीलियम और हैवियर एलिमेंट। हाइड्रोजन 91%, हीलियम 8.9% और हैवियर एलिमेंट 0.1%। हैवियर एलिमेंट में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियॉन, आयरन और सल्फर होता है। सूर्य के तापमान की बात करें तो कोर वाले हिस्से का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। ज्यादा तापमान की वजह से सारे पदार्थ गैस फॉर्म में होते हैं जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं।
सूर्य का प्रकाश 6 लेयर पार कर धरती पर पहुंचता है। ये लेयर है कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कन्विक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन और कोर। सूर्य के केंद्र से प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर की ओर निकलता है। सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। माना जाता है कि हर तारे की तरह सूर्य का भी खत्म होना निश्चित है। एक वक्त के बाद सूर्य के अंदर होने वाला फ्यूजन कम हो जाएगा, ऊर्जा की कमी से सूर्य से कुड़ने लगेगा, एनर्जी की कमी से सूर्य की बाहरी परतें ठंडी होंगी और सूरज टूटकर बिखरने लगेगा। बाद में सूरज ब्लैक होल में बदल जाएगा। आदित्य L1 सूरज के इन्हीं रहस्यों का पता लगाएगा। सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर असर जानेगा। कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा, सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। जाहिर है भारत का सूर्य मिशन बेहद अहम है, क्योंकि आदित्य L1 सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है।